वहीं उत्तराखंड में चार धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला भी जारी है। रविवार सुबह 8 बजे जहां केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए तो दोपहर ठीक 12:15 पर यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली वाले दिन 4 नवंबर को ही बंद किए जा चुके हैं, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, मंदिर के कपाट भैया दूज के मौके पर मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। चार तस्वीरें किस धाम के कब कपाट बंद हुए और कब बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे, इन चार तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर सुबह 8 बजे बंद हुए, यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे बंद हुए, गंगोत्री धाम के कपाट 4 नवंबर को बंद हुए और 20 नवंबर को बंद होंगे के बद्रीनाथ धाम के कपाट। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। रविवार सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुन के साथ बाबा केदारनाथ की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी। आपको बता दें केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ जमी है जिसके चलते मौसम बेहद ठंडा है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों के अलावा हकूकधारी मौजूद रहे। साथ ही इस बार करीब 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पर पहुंचे, जिनमें से 2,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। और वहीं दिवाली पर आतिशबाजी की वजह से उत्तराखंड के भी कई शहरों की आबोहवा काफी प्रदूषित हो गई है। देहरादून और हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। और किस शहर में क्या AQI लेवल है वो आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में 327, हरिद्वार में 321, ऋषिकेश में 257, तो खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण। दिवाली के बाद उत्तराखंड में अलग अलग शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है, चाहे राजधानी देहरादून की बात कर लें, धर्मनगरी हरिद्वार की बात कर लें या फिर योगनगरी ऋषिकेश की बात कर लें।